नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो एक बार फिर से हम पॉलिटी की सीरीज के साथ आ गए हैं और ये हमारा पॉलिटी का पहला चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, तो एक्ट पढ़े थे, तो हमने लगभग कवर कर लिया था। और पिछला जो वीडियो था वो था 1919 और 1909 जिसमें हमने पृथक निर्वाचन पद्धति को पढ़ा था। और 1919 में भी हमने कई चीज़ें देखी थी कि द्विशासन की प्रणाली उसमें लगाई गई थी राज्य के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग चीज़ें पूरी पढ़ के हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो अब देख रहे होंगे, यदि सीधे वीडियो देखेंगे तो आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आप यदि पूरी तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट पूरे से अच्छे से अपने अच्छे करने हैं, तो आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा उसको पीछे जाते देख लिए तो आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। तो आज शुरू करते हैं 1935, दो अधिनियम बचे हैं 1935 और 1947। तो 1947 को 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1947 जो था 4 जुलाई को आया था, 18 जुलाई को पास हो गया था और 15 अगस्त को वहां के राजा ने पास कर दिया और देश को आजादी मिल गई, ठीक है। तो 1947 केवल इतना ही है। तो हम लोग बात करें 1935, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो वो कोई और नहीं, वो 1935 को ही मिनी संविधान कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक पहला हो गया। अब ये मिनी संविधान लाने का क्या मतलब, मोटो रहा, क्यों ये लाया गया, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या क्या प्रावधान लाए गए, कितनी चीजें यहाँ पर जुड़ी गई, उन सब बारे में बात करेंगे। तो पहले पॉइंट शुरू करते हैं, ये जो संविधान, ये जो अधिनियम था, ये अंतिम अधिनियम था और इस अधिनियम को बोला गया भारत शासन अधिनियम। क्या बोला गया, भारत शासन अधिनियम के नाम से इसे जाना गया। पहला पॉइंट इसमें है कि ये अंतिम अधिनियम था। दूसरी चीज, इसमें प्रस्तावना नहीं थी, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1945 में ऑप्शन में दे दिया जाएगा प्रस्तावना है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी आपको छाटने में आसानी होगी कि इसमें प्रस्तावना नहीं होती, ठीक है। तीसरी चीज, जो द्वैत शासन प्रणाली यानी दो शासन प्रणाली जो 1919 में लगाई गई थी, यहाँ पर पूरी तरह से क्या, राज्यों से खत्म कर दी गई। क्यों राज्यों से खत्म कर दी गई, क्योंकि प्रांतीय और केंद्रीय दो भागों बांटे गए थे। केंद्र वाले गवर्नर पास चले गए और प्रांतीय में भी तो आरक्षित और हस्तांतरित वाले हिस्से में दो चीजें की थी, वो भी गवर्नर के पास थी, तो वहां से कुछ लाभ मिल ही नहीं रहा था, पैसा मिल नहीं रहा था, भूमि मिल नहीं थी, पानी मिल नहीं रहा था, तो हम जन कल्याण करे तो करे कैसे। तो ये सब चीजें, इतना विरोध हुआ, फिर लाया गया एक नया संशोधन भारत की पॉपुलेशन, भारत की जो क्रांतिकारियों को शांत करने के लिए एक नया क्या बोलते हैं एक्ट लाया गया, वो बोला गया 1935। तो इसमें पहली चीज, ये अंतिम था। दूसरी चीज, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। तीसरी चीज, राज्यों से दो शासन प्रणाली क्या कर दी गई, पूरी तरह से खत्म करके कहां पर लगा दी गई, केंद्र में। तो पहला पॉइंट अब यहां पर लिखते हैं, तो द्वैत शासन प्रणाली क्या लगे थी, केंद्र में, कहां पे लगी थी, लग गई है, अब केंद्र के अंदर ये काम करेगी। दूसरी चीज, इसमें से जो अभी तक 1919 में सचिव का पद पड़ा था उसको खत्म कर दिया गया। सचिव का पद जो है वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। सचिव का पद क्या कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब उसको खत्म करने के बाद कुछ और मतलब आप कैसे उसको सुधारा जाए, तो जब सचिव का पद उन्होंने खत्म किया तो कैसे सुधारा जाए, तो उन्होंने क्या किया, हम संघीय प्रणाली लाएंगे। क्या लाएंगे, तीसरी चीज, संघीय प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। तो यहां पर क्या, 1935 में क्या हुआ, संघीय प्रणाली की शुरुआत हो गई, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक संघीय बैंक बनाया गया। दूसरी चीज, इसी के अंतर्गत महासंघ बनाया गया, अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई थी। पहले हम बात कर लेते संघीय प्रणाली में इसके अंतर्गत और क्या लाया गया था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई थी, जब इसको क्या बोलते हैं संसद में पेश किया गया, तो 2/3 वोट से ये मतलब उसको बहुमत नहीं मिला, तो ये अखिल भारतीय महासंघ का कौन सा वहीं से क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
फिर इसके बाद एक संघीय बैंक बनाई गई, ठीक है, क्या चौथा पॉइंट क्या बनाया गया, संघीय बैंक। ठीक है, संघीय बैंक बनाया गया, ठीक है। इसी के बाद चौथी चीज इसमें जोड़ी गई कि जो लोक सेवा आयोग था, जो 1926 में बना था, लोक सेवा आयोग, हमने पीछे वाले एक्ट में पढ़ गया है, तो 1926 में जो बना था अब उसको बदल करके लोक सेवा आयोग कर दिया गया, ठीक है। चौथी चीज क्या, यानी लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के नाम को दे दिया गया, ठीक है। इसी के अंतर्गत 1935 में ही एक संघीय न्यायालय बनाया गया, क्या बनाया गया, संघीय न्यायालय, पांचवा पॉइंट। जो 1937 में बना था, क्या बना था, और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस वेयर। कौन थे, संघीय न्यायालय बनाया क्या था 1937, इसके मुख्य न्यायाधीश क्यों, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस वेयर। ओके, इतनी चीजें हो गई। अब क्या हुआ थी इसी के अंदर, यानी 1935 में ही इतनी चीजें आई, फिर 1935 में कई और घटनाएं घटी, जैसे जो बर्मा था उसको भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, 1937 में अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 1935 में ही 1935 के अधिनियम में सन 1937 में सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए, ठीक है, सिंध और उड़ीसा, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, पूछे जा सकते हैं कि 1935 में किस सन में सिंध और उड़ीसा का उल्लेख किया गया था, ठीक है। इसी में एक नया मतलब बात और हुई कि हरजन वर्ग के लिए निर्वाचन पद्धति की, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, ठीक है। इसी में हरजन के लिए निर्वाचन पद्धति, आपको याद होगा जब 32 और 30 में जब गोल में सम्मेलन चल रहे थे, 31 और 30 में चले थे, तो उस गोल में सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी मुद्दे को लेकर के गए थे कि हरजन वर्ग के लिए अलग, क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचन पद्धति को लाना चाहिए, कि उनके लिए अलग क्षेत्र रखे जाने चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां का कॉन्सेप्ट 1935 वाले अधिनियम में डाल दिया गया कि हाँ, हरजन वर्ग के लिए एक अलग से उनकी पृथक निर्वाचन पद्धति के लिए एक अलग सीटें रखी जाएंगी, कुछ सीटें रखी जाएंगी। बाद में उन सीटों की संख्या बढ़ाई भी गई थी, 41 थी, फिर 143 तक की गई थी, तो इतनी सी हुई, ठीक है। फिर इसी के अंदर अंतर्गत जो मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ, ठीक है, क्योंकि जो पहले राज्य की बात कर लेते हैं, राज्य में और क्या मिला राज्य को। अब जब वहां से खत्म हुआ, मतलब 1919 की बात करेंगे, जो वहां से जो राज के अंदर अंदर लग रहा था द्विशासन, वो पूरा खत्म हुआ, तो जितने प्रांतीय मामले थे, प्रांतीय मामले आप समझ रहे ना, प्रांतीय मामले में केंद्र वाले आरक्षित और हस्तांतरित, जितने पूरे मामले थे वो राज्य को दे दिए गए थे, और द्विसदनी व्यवस्था कर दी गई थी राज्य में, कैसी द्विसदनी व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत जो केंद्र और राज्य के जो शक्ति के बंटवारे थे वो कर दिए गए। तो इसमें इनको तीन भागों में बांटा गया, पहला भाग था संघ, संघ जिसमें विषय थे संघ सूची, जिसमें विषय थे उनसठ, दूसरा राज्य जिसमें विषय रखे गए 54, तीसरा रखा है संवर्ती जिसमें विषय रखे गए
36। अभी ये विषय क्या कर दिए गए, बदल दिए गए हैं। आप लोग उसमें पढ़ेंगे तो जाकर पढ़ सकते हो वहां पे कि विषय और बढ़े हैं और किसी में बढ़े हैं किसी में घटे हुए हैं। तो वहां पर क्या है, ये विधि बनाने का जो जो भी नियम कायदे बनाने होंगे वो केंद्र और राज्यों के बीच में कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। संघ सूची बनाई जाएगी, राज्य सूची बनाई जाएगी और समवर्ती सूची बनाई जाएगी, ठीक है। और ये सब ये लाने के बाद इसमें एक ये पॉइंट एक और इसमें ऐड किया गया कि 321 जोड़ी गई और अनुसूची, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि 1900 अधिनियम में 21 धाराएं और 10 अनुसूची, ठीक है। 221 धाराएं सीधे से हमारे भारत में ऐड कर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धाराएं थी वो 10 अनुसूचियां थी जिसमें 2 धाराएं सीधे सीधे क्या कर संविधान में की है, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। इतनी चीजें हमने इस चीजों में इस आर्टिकल इस अधिनियम में पढ़ा है। फिर से इस चीज को रिवाइज कर लेते एक बार, क्या हुआ था कि मतलब यह आखिरी अधिनियम था, प्रस्तावना नहीं थी इसमें, राज्य से द्विशासन व्यवस्था खत्म की गई थी, ठीक है। राज्यों में प्रांतीय व्यवस्था लाई गई कि जितने भी राज्य में प्रांतीय मामले देखेगा, सचिव का पद खत्म कर दिया गया, द्विशासन व्यवस्था केंद्र में लगाई गई, संघी बैंक बनाया गया, क्या बोलते हैं फेडरल कोर्ट जिसे संघीय न्यायालय कोर्ट बोलेंगे, भारतीय उपाय 2/3 बहुमत से हटा दिया गया। 1937 बर्मा हारत से लोगों 37 में ही बने और हरदिन की पद्धति यही और क्या बोलते हैं के थे वो केंद्र बीच में बांट दिए जाए तीन वर्गों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में 59, राज्य में 54 और समवर्ती में 36 विषय रखे गए थे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या 1935 का अधिनियम जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। 1947 को आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। 1947 का अधिनियम क्या बोलता है कि 4 जुलाई को आया था, 18 जुलाई को पास हुआ, 15 अगस्त को वहां के राजा ने यानी ब्रिटेन के राजा ने उसको परमिट कर दिया कि हाँ भाई ये देश पूरी तरह से क्या है आजाद, ओके। तो ये था हमारा भारत का संवैधानिक विकास। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, पीछे के वीडियो देखना ना भूलें। इस पूरे यदि पॉलिटी को पढ़ना है समझना है और इसको याद नहीं करना रटना नहीं है तो आप देखिए पूरे वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक एक मतलब एक्ट मैंने समझाए हैं 1773 से लेकर यानी 16 शताब्दी से लेकर के पूरा मैंने उसको क्लियर किया, जितना प्रयास हो सका है मैंने अपना बेस्ट दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपको और अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ने में तो इसे लाइक और इसे शेयर जरूर करें, जितना हो सके उसे शेयर करें कि आप ही नहीं दूसरे भी इसका बेनिफिट पाने पाए। क्योंकि हमारा जो टैग लाइन है वो है संघर्ष से सफलता तक, हमारा यही एम है कि हम जितना संघर्ष करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी सफलता क्या होगी प्राप्त होगी। तो याद रखिए हमारा जो लोगो है वो जो हमारी स्लोगन है वो है संघर्ष से सफलता तक और ये हमारे लिए नहीं ये सबके लिए लागू होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अपने तक नहीं दूसरों को भी शेयर करें, यदि आपको पसंद आ रहा है तो धन्यवाद।